दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका एक बार फिर ओला के वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा अपनी ओला S1 X3 किलो वाट की वेरिएंट वाले की, जिसमें मैंने दो अमेंडमेंट किए हैं। अमेंडमेंट तो क्या, एडिशन किया है। एडिशन आपको दिखाता हूं, तो दिखाने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा जो आप अपनी किसी भी बाइक में और किसी भी ओला स्कूटर स्कूटी किसी में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़े कमाल की हैं, छोटी हैं, मात्र 20-25 रुपए का खर्चा है, घर पे ही कर सकते हो। आइए अपन चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ओला S1 X3 किलोवाट की वेरिएंट तो आपके सामने खड़ा है। तो मेरे को कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया था, मतलब कि कुछ भी क्या नहीं दिया था, जो है वो आपके सामने है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ एडिशन हुआ है हैंडल्स में। तो ये जो हैंडल बार है, लास्ट में मैंने ये एक्स्ट्रा निकाले हैं। ये देखिए, ये 10 रुपये 20 रुपये के दोनों हैं। तो आप इसको घर पे भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्पोर्टी लुक आ जाता है, जैसे कि कोई अच्छी बाइक्स हैं, जैसे नॉर्मल 100 cc, जैसे 110 में भी मैंने किया था। इसमें ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर रिवर्स करेंगे तो भी नहीं दिक्कत आएगी, और फॉरवर्ड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये हाँ, थोड़ा सा कट जरूर लगाया था, तभी जाके इसमें अंदर जाता है ये, नहीं तो नहीं जाता। और दूसरा एडिशन है आपके ये नीचे रबर, इसको अपन मड रबर बोलते हैं। लास्ट जो एडिशन किया है, ये क्या है कि पहले ये नहीं था तो यहाँ तक ही था, टॉर्च जला देते हैं अपन, ये नहीं था तो यहाँ तक था, और ये पूरी इसको पूरा गंदा करता था। लेकिन अब इसके लगने के बाद केवल यहाँ तक छींटे जाते हैं, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी मानूंगा। और आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी बाइक पे लगा सकते हैं, आप पीछे भी लगा सकते हैं। केवल प्लास्टिक में दो छेद होंगे और बोल्ट कस दिए जाएंगे, नट कस दिए जाएंगे। और इससे क्या है कि इनसे अलग ही लुकिंग आती है, पकड़ने में भी और दिखने में भी थोड़ी लुकिंग इनहेंस हो जाती है। बस ये दो एडिशन किए हैं, और मैंने अपनी ये नंबर प्लेट मोड़ दी है आगे से, क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे ये सीधी रहती है, यहाँ तक रहती है, तो कपड़ा फंस के और उल्टा हो जाती है, तो ये अपने लिए माइनस पॉइंट था, इसलिए मैंने ये मोड़ दी है। पीछे वाली नहीं मोड़ी है, पीछे वाली भी आई थिंक ज़्यादातर ओला स्कूटर के जो मुड़ी हुई रहती हैं आगे पीछे की, तो शायद यही कारण होगा जो मुड़ने वाला। तो अपन ने पीछे वाली नहीं मोड़ी है, थोड़ी ख़राब लगती है वो, लेकिन अपन ने आगे वाली मोड़ दी है अपने सुविधा के अनुसार। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने और क्या एडिशन किया है। प्लीज़, थैंक यू।